रिपोर्ट्स देखते हैं हम लोग यहाँ पे, व्हाट इज मीन बाय द रिपोर्ट एंड व्हाट इज द यूज़ ऑफ रिपोर्ट। ओके, जैसे आप लोग देखिए यहाँ पे, हम लोग ये आपका सेलफोर्स सॉफ्टवेयर है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका सेलफोर्स सॉफ्टवेयर है। हाँ चलिए मैं आपको एक ये बता देता हूँ, सेल्स सेल्फोर सॉफ्टवेयर। ओके, तो ये एक सेल्फोर सॉफ्टवेयर रहता है आप लोगों का, ध्यान दीजिएगा सॉफ्टवेयर। और यहाँ पे कैसा होता है, एग्जांपल तौर पे जैसे अभी 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 यहाँ पे अभी श्रुति का मैम एज्यूम करते हैं कि एक बजाज फाइनेंस कंपनी, आपको नाम सुना होगा बजाज फाइनेंस। ओके, ये सबने नाम सुना है, जो भी टीवी लेते हैं एसी लेते हैं, तो उन लोगों के लिए। तो बजाज फाइनेंस का जो सॉफ्टवेयर है वो सेल्फोर्स में ही बना हुआ है। अभी बजाज फाइनेंस का पूना में ऑफिस है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। अभी मेरी एक स्टूडेंट वहाँ पे लग गई है, ज्वाइन हुई है। ओके, उसको 5 लाख का पैकेज मिल रहा है एडमिन लेवल पे, और डेवलपमेंट लेवल पे तो किसी का कम्युनिकेशन इतना हाईफाई नहीं होगा ना, तो वो भी लोग यहाँ पे वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, वो लोग वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। इज इट क्लियर? वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट निकलने वाली है अगले महीने में, लेकिन डेवलपमेंट की, तो वहाँ पे 6 लाख का पैकेज मिलेगा आप लोगों को, और बहुत अच्छी फैसिलिटी। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे एग्जांपल तौर पे बताता हूँ, बजाज फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस नाम की कंपनी है। ओके, फाइनेंस नाम की कंपनी है, बजाज फाइनेंस नाम की कंपनी है, इज इट क्लियर? बजाज के पूरे सॉफ्टवेयर सेल्सफोर्स में कन्वर्ट हो गया अभी। ओके, तो ये क्या होता है, अभी यहाँ पे अभी आप लोग डेवलपर्स हैं, मतलब डेवलपर्स नहीं, आप एडमिन लोग हो। तो अभी एक जो मैनेजर है, एज्यूम करते हैं कि एक मैनेजर सेल्स मैनेजर होगा, वो बोलेगा नेहा मैम ज्वाइन हो गई है और वो सेल्फोर सॉफ्टवेयर को संभाल रही है। तो यहाँ पे तो थाउजेंड्स ऑफ डेटाज आर अवेलेबल हियर। ओके, सब लोगों का रिकॉर्ड्स रहेगा, ऐसे थाउजेंड लोगों का रिकॉर्ड रहेगा यहाँ पे, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। अब रिकॉर्ड्स पता है ना, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, तो जैसे गौरी शंकर का रिकॉर्ड अपने स्टूडेंट डिटेल में दिया था, प्रीति कारमोरे का रिकॉर्ड दिया था, वैसे दिस इज कॉल्ड एज ए वन रिकॉर्ड, द वन रो इज कॉल्ड एज ए वन रिकॉर्ड। आपको इतना तो पता है अभी शिवाली। ओके, यस व्हाट सर, व्हाट इज मीन बाय द रिकॉर्ड, रिकॉर्डर, रिकॉर्ड्स मीन समझ में आ गया ना आपको, तो ऐसे थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल इन द बजाज कंपनी। ओके, एंड ही इज शी इज नेहा, नेहा वहाँ पे वर्क कर रही है, सॉरी नेहा वहाँ पे एज्यूम करते हैं कि नेहा यहाँ पे जॉब कर रही है एज अ एडमिन डेवलपर। तो ये जो मैनेजर रहेगा आपका, सेल्स मैनेजर, बोलेगा कि मुझे एसी कितने लोग खरीदना चाहते हैं, उतने लोगों का मुझे रिपोर्ट दीजिए, मतलब एक रिपोर्ट मतलब लिस्ट दीजिए। ओके, वो इसलिए सेल्स मैनेजर इसको बोल रहा है कि कितने लोगों ने अपने पास इंक्वायरी की है कि जिनको एसी चाहिए। ओके, तो नेहा क्या करेगी, एक रिपोर्ट बनाएगी, एक की लेगी, वो की सर्च करेगी, वो की में क्या लिखा रहेगा, एसी परचेस। तो 1000 में से उसको दिखेगी कि 100 लोग वहाँ पे दिख रहे हैं, तो क्या करेगा, वो 100 लोगों का एक सेपरेट डेटा बनाएगी वो। ओके, एक क्या करेगी, एक सेपरेट लिस्ट बनाएगी, और उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्ट्स। क्लियर हो गया आपको, दैट इज कॉल्ड एज अ रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट जो रहती है ना, ये रिपोर्ट एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के ऊपर बनती है, दैट इज नथिंग बट द लिस्ट ऑफ डेटा। रिपोर्ट इज नथिंग बट द लिस्ट ऑफ डेटा। समझ में आ गया आपको, व्हाट इज मीन बाय द, दिस इज नथिंग बट द लिस्ट ऑफ डेटा। तो नेहा को क्या बोला है, ये सेल्स मैनेजर है, यही कंपनी में काम होता है, कि नेहा आई वॉन्ट अ एसी परचेसिंग कस्टमर लिस्ट। ओके, तो ये क्या करेंगे, पट से एसी कस्टमर का एक बकेट बना देगी, बताता हूँ बकेट का मतलब क्या होता है, तो वो पढ़ा देगी, दरवाजा मत पीछे, बकेट बना लेगी, और उसके अंदर क्या करेगी, एसी जो खरीदते हैं वो रिपोर्ट बना देगी। और ये रिपोर्ट क्या करेगी, वो ये रिपोर्ट क्या करेगी, यहाँ से निकालेगी, 1000 लोगों से निकालेगी। ओके, और ये बनाएगी, और ये बना के वो किसको दे देगी, सेल्स मैनेजर को दे देगी। बाद में ये सेल्स मैनेजर क्या करेगा, वो अपने कलीग्स को, ये जो कलीग्स बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, ओके, जो सेल्स टेलीकॉलर रहते हैं, ओके, ये टेलीकॉलर को वो लिस्ट दे देंगे। इज इट क्लियर, लिस्ट दे देंगे, और बाद में ये जो सेल्स मैनेजर रहता है वो उसको दे देगा। क्लियर हो गया, ये सेल्स मैनेजर इसको क्या कर देगा, वो दे देगा उसको। ओके,
वो क्या करेगा, नेहा को और बोलेगा कि नेहा हाउ मेनी पर्सन्स आर परचेसिंग द एसी। तो नेहा बोलेगी नियर अबाउट 100 पर्सन्स कैन बी परचेसिंग द, दे आर इंटरेस्टेड इन द एसी परचेसिंग। ओके, सो वो बोलेगी इट्स ओके। तो वो 100 का रिकॉर्ड लेगी, तो वो क्या बोलेगी कि उसके पास 3 टेलीकॉलर्स है। तो वो क्या बोलेगी कि 1 टेलीकॉलर इज़ वेरी गुड। तो बोलेगी कि यार मुझे इसमें क्या करना है, ये रिपोर्ट्स में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करो। तो एक 40 का पैकेज बनाओ आप लोग, 40 का, ओके, और 2 30-30 का, ओके। तो वो मुझे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके दो। तो एक रिपोर्ट पूरा पूरा बना के देंगी वो सेल्स मैनेजर को, वो उसके पास रहेगा, और दूसरे रिपोर्ट्स क्या बनाने की देंगी एसी का ही, वो 40 का 30 का 30 का, और वो लेगी लिस्ट 1 रिपोर्ट 1 रिपोर्ट 2 रिपोर्ट 3 वो भी दे देगा। तब मैनेजर क्या करेगा, जो कंप्लीट 100 का रिपोर्ट रहेगा वो अपने पास रखेगा, और जो 40 का है वो इस पर्सन टेलीकॉलर को देगा, 30 का इसको टेलीकॉलर को देगा और यहाँ पे दे देगा। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? तो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड द रिपोर्ट वर्किंग। तो ये हम लोगों को रिपोर्ट इज नथिंग बट द लिस्ट ऑफ डेटा। अब यहाँ पे क्या था, सेल्सफोर्स में थाउजेंड्स ऑफ लिस्ट आर अवेलेबल देयर, ओके। तो उसमें से हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के ऊपर हम लोगों को क्या करना पड़ता है, वहाँ से नंबर ऑफ रिकॉर्ड एक फॉर्मेट में, एक बंच में तैयार करना पड़ता है। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड द रिपोर्ट। रिपोर्ट इज नथिंग बट अ लिस्ट ऑफ डेटा, ओके, ऑन पर्टिकुलर क्राइटेरिया। अब ये रिपोर्ट किसके ऊपर बनाया, ये लिस्ट ऑफ डेटा किसके ऊपर बनाया, कौन से क्राइटेरिया के ऊपर बनाया, एसी परचेसिंग। अब क्या होता है, बजाज फाइनेंस के अंदर हो सकता है किसी को कि बजाज फाइनेंस में किसी किसी को पर्सनल लोन चाहिए, ओके, पर्सनल लोन भी मिलता है यहाँ पे, या किसी किसी को उनको ओन खरीदना है, ओके, 10,000 का ओन खरीदना है, इज इट क्लियर, या किसी को बजाज फाइनेंस में मोबाइल खरीदना है, तो उसके लिए भी बजाज फाइनेंस का वो क्या करते हैं, बजाज फाइनेंस का वो लोन लेते हैं, इज इट क्लियर। तो अभी एक पर्सन रहेगा, जो पर्सन क्या करेगा आपका, ये किसका रहेगा, मोबाइल का सेल्स मैनेजर रहेगा, वो नेहा को बोलेगा नेहा आई वॉन्ट कल का मुझे रिकॉर्ड दीजिए, रिपोर्ट दीजिए जिसको फ़ोन खरीदना है। तो बोलेगा कि यार 500 स्टूडेंट्स आर नियर, 500 कस्टमर्स आर इंटरेस्टेड फॉर परचेसिंग द मोबाइल, ओके। तो नेहा क्या करेंगे, फट से वो दे देंगी वहाँ पे क्राइटेरिया क्या दे देगी, ओके, मोबाइल परचेसिंग। और जैसी मोबाइल परचेसिंग का क्राइटेरिया दे दिया, तो ये 1,000 में से 500 लोगों का एक अलग सेपरेट लिस्ट बनेगा, ओके, और वो लिस्ट रहेगा, उसको बोलते हैं हम लोग रिपोर्ट। और वो रिपोर्ट एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे बना हुआ, कौन से क्राइटेरिया पे बना हुआ है, मोबाइल परचेसिंग क्राइटेरिया के ऊपर बना है। तो ये 1,000 में से 500 लोगों का बन जाएगा, और वो क्या कर देंगे, इस सेल्स मैनेजर को दे देंगे, मोबाइल सेल्स मैनेजर को दे देंगे। सेल्स मैनेजर क्या करेगा, आगे वाले कस्टमर्स को, मतलब आगे वाले टेलीकॉलर्स को दे देगा, और टेलीकॉलर्स को फ़ोन करेगा और उसको कन्फर्म करेगा। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे, इज इट क्लियर? तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं रिपोर्ट। तो रिपोर्ट इज नथिंग बट द लिस्ट ऑफ डेटा विच इज़ क्रिएटेड ऑन अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया। पर्टिकुलर क्राइटेरिया के ऊपर वो रिपोर्ट्स बनते हैं, आपको क्लियर हो गया आपको, और वो रिपोर्ट्स आप कंपनी में प्रोवाइड करते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ अ रिपोर्ट एंड व्हाट इज़ अ रिकॉर्ड। तो देखो, सेल्सफोर्स के अंदर हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज़ करें, उसके अंदर जो रिकॉर्ड है वो जनरल रिकॉर्ड्स है, दीज आर कॉल्ड एज जनरल रिकॉर्ड्स, ओके, दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन देयर एनी क्राइटेरिया, ओके। आपने जो जो डेटा इंसर्ट किया, वैसे वैसे सेल्सफोर्स ने वो रिकॉर्ड जाके आपके एप्लीकेशन में स्टोर करके दिया, तो दैट इज कॉल्ड एज ए जनरल रिकॉर्ड, ओके। बट रिपोर्ट इज अ डिफरेंट थिंग, रिपोर्ट इज अ डिफरेंट थिंग, ओके। रिपोर्ट इज नथिंग बट द रिकॉर्ड्स, बट दे आर डिपेंडिंग ऑन द क्राइटेरिया। एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के ऊपर हम लोग बंच ऑफ डेटा जो बनाते हैं उसको हम लोग रिपोर्ट्स बोलते हैं। तो रिपोर्ट की डेफिनेशन क्या होता है, रिपोर्ट इज अ लिस्ट ऑफ डेटा विच ऑन द पर्टिकुलर क्राइटेरिया। पर्टिकुलर क्राइटेरिया के ऊपर अपन लिस्ट ऑफ डेटा बनाते हैं उसको हम लोग रिपोर्ट्स बोलते हैं। और क्राइटेरिया जैसे जैसे चेंज होगा, वैसे वैसे रिपोर्ट का साइज, उसके अंदर के रिकॉर्ड चेंज हो जाएंगे। ये इसको एसी चाहिए तो उसके लिए 100 का रिकॉर्ड बनाए, इसको मोबाइल चाहिए तो उसके लिए 500 का रिकॉर्ड बनाए। तो ऐसे ऐसे क्या होता है, तो रिपोर्ट जो होते हैं ना आपका, तो ये जो रिपोर्ट्स, ओके, ये रिपोर्ट जो डिपेंड रहता है वो क्राइटेरिया के ऊपर पड़ता है। तो कंपनी का सीनियर समझ में आ गया क्या आपको, एनी डाउट्स, एनी डाउट रूपम, एनी डाउट्स? नहीं, और मैं वापस बता रहा हूँ, मैं अभी क्या करूँगा, मोस्टली अभी तो नहीं, लेकिन ये सैटरडे में मेरी एक बहुत पुरानी स्टूडेंट थी, ओके, दैट नेम इज, वो ही आपको बता देगी, ओके, म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट, म्यूट योरसेल्फ, ओके। तो वो मुझे अभी कल मिले, तो उनको भी अच्छा जॉब लग गया था,
तो अभी वो 29 साल की लड़की है, तो ऐसी परेशान थी लास्ट ईयर, तो उनको हम लोगों ने बताया कि ये सेल्फ फोर्स करो करके, देयर कम्युनिकेशन इज़ नॉट टू गुड बट बोल सकती थी, तो उसने कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट क्लियर किया और पढ़ी वो क्लास में। तो थोड़ी डल थी वो, डल मतलब डर गई थी बेचारी, उसको सही समझ में आ रहा था कि क्या करना क्या नहीं करना, तो भी उसने जो कोर्स 3 महीने का था वो 6-7 महीने में क्लियर किया। अभी वो बजाज फाइनेंस में ही लगी हुई है, कल मेरी आधा घंटा बात हुई है, तो बजाज फाइनेंस के वो सेल्स क्लाउड मतलब सेल्स क्लाउड के अंदर संभाल रही है और वो एडमिन में ही वर्क कर रही है। क्लियर हो गया आपको? तो वो बोल रही है कि सर रिक्वायरमेंट इज़ वेरी हाई, वेरी हाई, मेरी कंपनी में लोग लग रहे हैं। तो मालूम है उन्होंने क्या किया, सेल्स पोल्स के लोग नहीं मिल रहे ना, तो किसी भी सॉफ्टवेयर मतलब किसी भी पर्सन को उठा रहे हैं वो, उसको पढ़ा रहे हैं और उसको पढ़ा के बोलते हैं आ जाइए 6 लाख का पैकेज हम देते हैं, बैठ जा। तो ऐसे लोग बैठे हैं कि जिनको सादा इंग्लिश भी नहीं आता है वो भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि लोग ही नहीं मिल रहे हैं और सॉफ्टवेयर तो बना लिया, काम तो करना है। तो पूछते रहते हैं, बोले मैं ही एक इंजीनियर हूँ, बोले वहाँ पे सब बीकॉम लोग हैं, बोले वहाँ पे, और सबका 6-6 लाख का पैकेज है, बोले तो आप उनसे तो अच्छे हो ना, ओके, तो डेफिनेटली आपको जॉब लगना ही है। अब वो लोग तो बोले सर कोई होगा तो बताओ, बोले मैं करवाती, बोले उन लोगों को, ओके, और कितना महीना हो गया, 4 महीना हो गया उसको लग के, तो 4 महीने में वो सीनियर बन गई। ये रहता है सेल्फ फोर्स का पावर, नया नया है ना, इसलिए कोई सीनियर ने कोई जूनियर नहीं रहता, ओके, जाइए पहले जॉब कीजिएगा, सीनियरों पे वर्क कीजिएगा यहाँ पे, ओके। एक प्रगति नाम की भी लड़की अपने क्लास में बैठी है, शी इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन द सेल्फ फोर्स, ओके, बैठी है, एटमोसफेयर अलग रहता है। और उसके बाद 6 महीना होने के बाद जो भी जॉब लगता है स्टार्टिंग में मेरे पास पढ़ने के बाद, 6 महीना आप लोग वो जॉब कीजिएगा, 6 महीना के बाद अपने को पैकेज बढ़ाना है, जिसको 5 का पैकेज होगा उसको 9 का करेंगे, जिसको 6 का पैकेज होगा उसको 10 का पैकेज करेंगे। वापस 6 महीने के बाद मेरे पास आया, तब आपके पास पैसे भी रहते हैं और नॉलेज भी रहता है, उसके बाद मैं आपको एक कोर्स करने के लिए बोलूँगा, आपका जो भी पैकेज रहेगा वो डबल ही हो जाएगा आपका, डबल ही होगा, तो एटलीस्ट 6 का 9 तो कर दूंगा मैं। और उसके बाद वापस 6 महीने के बाद मेरे पास आइएगा, उसके बाद और एक मैं आपको एक कोर्स बोलूँगा, वो कोर्स कर लीजिएगा मेरे पास, मैं ही खुद पढ़ाता हूँ, ओके। उसके बाद आप लोगों का पैकेज 12 लाख के आसपास जाता है, तो आप प्रॉपर वे से ज्वाइन हो जाइए, 1 से 1.5 साल में आपका 10 से 12 लाख का पैकेज बनता है। स्मार्ट वर्क करो और टाइम किल करके निकल जाओ। हाँ, वही काम करने के लिए 5-6 साल लगेंगे आपको, लेकिन अभी हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं ना प्रॉपर वे से, तो गाइडेंस का फ़ायदा उठा लो और एक पर्टिकुलर पैकेज में जाके बढ़ जाओ, और उसके बाद आपकी लाइफ आपके पास रहना, बाद में हर 6 महीने के बाद मिल मतलब बात करने की जरूरत नहीं, क्लास करें, उसके बाद आप अपनी लाइफ में देखिएगा। प्रीति के बंद करूँगे ना, प्रीति हाँ, ये दरवाजे लग दे, दरवाजे लग दे। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। तो रिपोर्ट्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया, कि बहुत जनों को रिपोर्ट समझ में ही नहीं आता, व्हाट इज द रिपोर्ट्स, ओके। तो बेसिकली देयर आर, क्लियर हुआ क्या? यस, टेल मी। यस सर, यस सर, यस सर। तो इसलिए आपको जो डर है ना, शिवानी को, शिवानी के लिए बोल रहा हूँ, बर्वे के लिए, उसको डर लगता है कि जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं वो लड़की से बात करवा के देता हूँ, गांव की लड़की है और वो अभी पुणे में वर्क कर रही है, अभी वर्क फ्रॉम होम ही चालू है उसका वाला। 5 लाख रुपए सर कोई होगा तो बताओ, बोले मैं लगा के देती हूँ। बोले यार कोई, किसी किसी का इंग्लिश थोड़ा सा बराबर नहीं रहता। अरे सर, बोले वहाँ के बिहार के लड़कों को पढ़ा के, बीकॉम वाले लड़कों को पढ़ा रहे, बोले, और बोले कि तुम यार पढ़ लो, 6 लाख का पैकेज दे रहे। डेवलपमेंट के लिए उनकी रिक्वायरमेंट है, 40 लोगों की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वहाँ पे कोई डेवलपमेंट वाले लोग ही नहीं मिल रहे, बोले, इसलिए उन्होंने बाहर के लोगों को हायर करके उनको पेमेंट कर रहे हैं, बोले वो, तो वो चाहते हैं, बोले कि अगले महीने में डेवलपमेंट निकलेगा, अपन उनको रखेंगे, तो एडमिन में वो 5 से 6 लाख रुपये दे रहे, तो डेवलपमेंट में 7-8 लाख रुपये देंगे, ओके। सिर्फ आपको इच्छा होगी पढ़ाई की तो करो आप, नहीं तो कुछ मतलब नहीं, भगवान भी आपको कुछ नहीं दे सकता, ओके। चलिए अपन देखते हैं अपन रिपोर्ट। तो बेसिकली देर आर 4 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, एक रहती है आपकी टेबुलर रिपोर्ट, ओके, अभी अपन देखते हैं यहाँ पे। चलिए, तो हम लोग सेल्फ फोर्स कौन से सॉफ्टवेयर में जा रहे थे, हम लोग हम वर्क किस में कर रहे थे? यस, जस्ट टेल मी, कल्याणी ना, ओके। चलिए, अरे क्या हो गया, तो ये वीक कोई छुट्टियां नहीं मारेंगे, मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, और हर चीज़ का मतलब ऐसा नहीं है, मैं पढ़ाने वाला हूँ आपका वैल्यूएशन रूल, मैं पढ़ाने वाला हूँ फार्मूला फील्ड,
लेकिन कंपनी लेवल का, ये कोई नहीं पढ़ाता, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, क्लियर हो गया आपको? उसके बाद वर्क फ्लो, फ्लोज, फ्लोज भी कौन से पढ़ा रहा हूँ मैं, जो कंपनी में यूज़ होते हैं, शेड्यूलिंग वाले फ्लोज पढ़ा रहा हूँ, वो कोई नहीं पढ़ाता। उसके बाद अप्रूवल लिस्ट, क्यू प्रोसीजर, ओके, कस्टमर बटन्स कैसे करके, कैसे प्रोसेस किए जाते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बता दूँगा, ओके? तो ये वीक मिस मत करना आप, ओके? ये सिर्फ आप ही बैच को, पहली बैच है ये, इनको ये पढ़ा रहा हूँ, बाकी बैचेस को नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, जितनी भी बैचेस, ये फर्स्ट टाइम में पढ़ा रहा हूँ आपको, तो थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, ओके? चलिए हम लोग जाते हैं यहाँ पे, हम रिपोर्ट्स बनाते हैं। हाँ, पासवर्ड गलत बता रहे हैं। वेट अ मिनट, चलिए, वेरी गुड। स्लो दिख रहा है ये, सुबह 9 बजे तक का टाइम और रात को 7 बजे से लेकर 9 बजे का टाइम, ये ट्रांजिएंट टाइम होता है। यूएस वाले बंद करते रहते हैं, इंडियन वाले चालू करते रहते हैं, और शाम के वक्त 7 o'clock इंडियन लोग बंद करते रहते हैं और यूएस लोग चालू करते रहते हैं, मतलब यूरोपियन लोग। उसके कारण क्या होता है, कंजक्शन जो रहता है ना सेल फोन में बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए वो बहुत स्लो हो गया आपका, देखिए बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। चलिए देखो, हर चीज लेट होती है। तो आप लोग सभी को बोल रहा हूँ कि डरो मत आप लोग, पढ़ो यार, जॉब लगना है, मतलब लगना ही है। जो सेल्फोर्स प्रॉपर वे से पढ़ता है ना, उसको जॉब लगता ही है, मतलब लगता ही है। चलिए अभी हम लोग देख रिपोर्ट्स देखते हैं हम लोग, तो रिपोर्ट्स में ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर करवा देता हूँ आपको रिपोर्ट्स के बारे में। इसको डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग जब रिपोर्ट्स पढ़ाने के लिए आते हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, आज अपन रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, तो रिपोर्ट्स में आप सबसे पहले क्या करोगे, आप लोग ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे आप लोग, आप लोगों को रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड आपको ऐड करना है। तो रिपोर्ट्स का मतलब मैंने समझा दिया, रिपोर्ट इज़ नथिंग बट अ लिस्ट ऑफ डेटा, ओके, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ डेटा ऑन पर्टिकुलर क्राइटेरिया, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के ऊपर एक पर्टिकुलर बंच बनाएंगे डेटा का, दैट इज कॉल्ड एज रिपोर्ट। जैसे मैंने एग्जांपल बता दिया, नेहा जॉब कर रही है, सेल्स इंजीनियर्स ने बोला कि मुझे एसी कितने लोगों को परचेस करना है, उन लोगों का मुझे डेटा दीजिएगा। तो नेहा क्या करेंगे, एसी परचेस करके की डाल देगा, और वो 1000 लोगों में से 100 लोगों का एसी परचेस करना है, तो वो रिपोर्ट वो रहेगी, लिस्ट ऑफ डेटा ऑन पर्टिकुलर क्राइटेरिया। कौन से क्राइटेरिया के ऊपर, एसी परचेसिंग क्राइटेरिया के ऊपर उसने वो लिस्ट ऑफ डेटा बनाया, उसको हम लोग रिपोर्ट्स बोलते हैं। और वो रिपोर्ट्स किसको प्रोवाइड करेगा, सेल्स एसी पर्सन को प्रोवाइड करेगा। वैसे मोबाइल वाला आएगा, तो मोबाइल ने क्या क्राइटेरिया है कि किस कितने लोगों को मोबाइल के ऊपर फाइनेंस चाहिए, उसका मुझे डेटा चाहिए। तो नया क्या करेगा, क्राइटेरिया चला देंगी, 1000 लोगों के ऊपर कौन सा मोबाइल परचेसिंग, तो उसमें से एक लिस्ट ऑफ डेटा क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड द रिपोर्ट। रिपोर्ट इज नथिंग बट लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया ऑन पर्टिकुलर, सॉरी, लिस्ट ऑफ डेटा ऑन पर्टिकुलर क्राइटेरिया, दैट इज कॉल्ड एज अ रिपोर्ट्स। और जो जनरल डेटा होता है सेलफोर्स के अंदर, ये देखो, ये स्टोरी डिटेल के अंदर, ये जनरल डेटा है ना, ये जनरल डेटा, इतना बड़ा जनरल डेटा है, ओके, दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन एनी क्राइटेरिया, एग्जैक्टली, दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन द एनी क्राइटेरिया, दैट इज कॉल्ड द जनरल डेटा, ओके। इसको हम लोग रिपोर्ट्स नहीं बोल सकते, दीज आर कॉल्ड एज जनरल रिकॉर्ड्स, ओके। बट मैं क्या बोलूँगा कि भाई मुझे मेल का ही रिकॉर्ड चाहिए, मुझे एक आधा प्रोडक्ट बेचना है मेल का रिलेटेड, ओके, तो वो मुझे मेल का ही वहाँ पे मुझे डेटा चाहिए। तो ऐसे वक्त मेरा क्राइटेरिया आ गया, कौन सा क्राइटेरिया, मेल क्राइटेरिया, जेंडर इज मेल इज मै क्राइटेरिया, ओके, तो वो क्राइटेरिया आ जाएगा, तो उसके कारण क्या होगा, एक लिस्ट बनेगी, तो उसको हम लोग रिपोर्ट्स बोलेंगे, ओके। दिस इज नॉट अ रिपोर्ट, ओके, दिस इज अ जनरल रिकॉर्ड्स, ओके। रिपोर्ट्स मतलब मुझे क्या बोलूँगा कि फीमेल, अभी मुझे कुछ ड्रेसेस भेजना है, तो ड्रेसेस तो बॉयज़ नहीं पहनते, मेल नहीं पहनते, तो फीमेल ही चाहिए उनको, ओके, तो मुझे, मैं बोलूँगा कि यार फीमेल का मुझे रिकॉर्ड दीजिए, ओके, तो वो हो गया मेरा रिपोर्ट्स, क्योंकि ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया के ऊपर नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स बन रहे हैं इन मध्य प्रदेश, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्ट्स, ओके, इसको हम लोग क्या बोला जाता है, रिपोर्ट्स, ओके। तो दीदार, तो उसके लिए हम लोगों को दो यहाँ पे अपने को ऑब्जेक्ट, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट ऐड करना पड़ता है। हम लोग जाएंगे यहाँ पे ऐड मोर रिकॉर्ड में जाएंगे, हम लोग ऑल करेंगे हम लोग, और यहाँ पे अपन रिपोर्ट्स देंगे, ओके, इसको हम लोग ऐड कर देंगे हमारे इसमें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, सेव इट।
चलिए, और एक डैशबोर्ड भी ऐड करेंगे हम लोग और उसको वर्किंग करेंगे हम लोग, ऐड मोर डेटा, और यहाँ पे डैशबोर्ड। और बाकी सभी को बोल रहा हूँ कि कोडिंग के लिए डरो मत आप लोग, कोडिंग में करवा के देता हूँ, इतनी टफ लेवल की कोडिंग करवा के देता हूँ ना आप लोगों को। ओके, 7% लॉन्ग डिस्टेंट। तो ये देखिए, तो रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड आपको अटैच करना है, ध्यान दीजिएगा, रिपोर्ट और डैशबोर्ड अटैच करना है। तो देखिए, रिपोर्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, व्हाट इज मीन बाय द रिपोर्ट्स। तो बेसिकली रिपोर्ट जो होती है ना, वो दो टाइप्स की रिपोर्ट्स होती है। ओके, रिपोर्ट जो रहेगी आपकी बेसिकली दो टाइप्स की रहती है। पहला आपका रहता है स्टैंडर्ड रिपोर्ट। अभी आपको पता ही होगा, नाम से अभी रोज पता चलता है। श्रुतिका मैम बताइए, स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स मतलब क्या होता है? ऐसे रिपोर्ट जो सेल्फोर्स क्रिएट करता है, दैट रिपोर्ट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड रिपोर्ट। क्लियर हो गया आपको, पता है ना ये? ओके, तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट रहता है आपका कस्टम रिपोर्ट। कस्टम रिपोर्ट का मतलब कहता है दोज रिपोर्ट क्रिएटेड बाय द, देखिए कस्टम रिपोर्ट का मतलब, स्टैंडर्ड रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग प्रोसेस करके जो रिपोर्ट बनाते हैं उसको हम लोग स्टैंडर्ड रिपोर्ट बोलते हैं, और कस्टम ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग प्रोसेस करके जो क्राइटेरिया चला के अपन जो रिपोर्ट बनाते हैं उसको हम लोग कस्टम रिपोर्ट्स कहते हैं। तो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स एंड दूसरा कस्टम रिपोर्ट। ओके, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग क्राइटेरिया लगा के जो रिपोर्ट्स बनाते हैं उसको स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स बोला जाता है, और कस्टम रिपोर्ट मतलब कस्टम ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई क्राइटेरिया चला के हम लोग जो रिपोर्ट्स बनाते हैं उसको हम लोग कस्टम रिपोर्ट्स बोलते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, अब टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स मुझे पढ़ना है, तो मैं इसकी थ्योरी भेज दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। ओके, ये टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स रहेगा इन सेल्फोर्स। यहाँ पे देखिए, तो बेसिकली देर आर फोर टाइप्स ऑफ रिपोर्ट रहती है, टेबुलर रिपोर्ट, मैट्रिक्स रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट एंड जॉइंट रिपोर्ट। ओके, पूछा जाता है बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट्स इन द सेल्फोर्स, हम लोग देख लेते हैं इंटरनेट पे। तो बेसिकली देर आर फोर टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, वन इज फर्स्ट इज द टेबुलर रिपोर्ट, ओके मैट्रिक्स रिपोर्ट सेकंड, थर्ड वन इज समरी रिपोर्ट, और चौथी जॉइंट लेटर रिपोर्ट। तो आज अपन टेबुलर रिपोर्ट कैसे बनती है, कस्टम रिपोर्ट कैसी बनती है और स्टैंडर्ड रिपोर्ट कैसे बनती है ये बताऊंगा आपको। बाद में मैट्रिक्स, समरी और जॉइंट ये कल बता दूंगा, अपना रिपोर्ट्स खत्म हो जाता है। परसों के दिन मैं डैशबोर्ड बता दूंगा आपको, डैशबोर्ड क्लियर हो जाता है आप लोगों का। क्लियर हो गया आपको? तो दो तीन टाइप्स के डैशबोर्ड रहेंगे, एक डैशबोर्ड चौरे मैडम पढ़ाएंगे यहाँ पे, ओके, और बाकी के डैशबोर्ड मैं पढ़ाऊंगा। चौरे मैडम आप पढ़ा देंगी ना, क्या नाम उनका? श्रुतिका मैम। यस सर। ओके, एक आप बना देना, ओके, जो मैंने आपको बताया था वो आप बताएंगे लड़कों को। ओके, क्लियरिफाइड होता है नॉलेज कभी भी, ट्राई तो कीजिए। ओके, तो और बाकी के मैं रिपोर्ट्स पढ़ा दूंगा। चलिए, अभी अपन देर आर बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। ओके, द फोर टाइप्स ऑफ सेल्फोर्स रिपोर्ट्स आर अवेलेबल, पूछा जाता है, टेबुलर, मैट्रिक्स, समरी एंड जॉइंट। तो बेसिकली दो टाइप्स के रिपोर्ट मतलब वो जो होते हैं जनरलाइज, एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट जो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर बनाते हैं उसको स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स बोलते हैं, और दूसरा कस्टम रिपोर्ट्स। कस्टम रिपोर्ट्स मतलब क्या होते हैं? जो रिपोर्ट्स कस्टम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बनाए जाते हैं उसको हम लोग कस्टम रिपोर्ट्स बोलते हैं। कस्टम ऑब्जेक्ट के ऊपर एक क्राइटेरिया लगाएंगे, उससे जो लिस्ट ऑफ डेटा निकलेगा उसको हम लोग बोलते हैं कस्टम रिपोर्ट। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर एक क्राइटेरिया लगाएंगे, उसके ऊपर जो लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड निकलेगा उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड रिपोर्ट। बट जनरल देर आर फोर टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, टेबुलर रिपोर्ट, मैट्रिक्स रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट एंड जॉइंट रिपोर्ट। तो सबसे पहले अपन टेबुलर रिपोर्ट देखते हैं हम लोग। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? ओके, तो यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे ये बंद कर दो, ये दिया हुआ, देखिए व्हाट इज द सेल्फोर्स रिपोर्ट्स। ओके, ये इतनी थ्योरी कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, एक बार थ्योरी पढ़िए, लेकिन जब क्वेश्चन इंटरव्यू क्वेश्चन करें व्हाट इज द सेल्फोर्स रिपोर्ट्स। ओके, तो सेल्फोर्स रिपोर्ट इज क्या होता है? रिपोर्ट इज नथिंग बट द लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड। ओके, लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड विच ऑन द पर्टिकुलर क्राइटेरिया। ओके, उसको हम लोग रिपोर्ट्स बोलते हैं। तो बेसिकली दो टू टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स एंड द कस्टम रिपोर्ट। स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर जो रिपोर्ट लगाया जाता है उसको हम लोग पर्टिकुलर क्राइटेरिया, उसको स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स बोलते हैं। तो उसके बाद वो टाइप्स पूछेगा, उसके बाद बोलेंगे टाइप्स। ये फोर टाइप्स के रिपोर्ट्स हैं आपके, टेबुलर रिपोर्ट, मिक्स मैट्रिक्स रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट और जॉइंट रिपोर्ट। ये मैं बता दूंगा आपको और ये थ्योरी मैं आपको दे दूंगा। क्लियर हो गया आपको? ओके, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे।
क्लियर हुआ क्या आपको? चलिए अपन जाते हैं, कैसे बनाते हैं वो देखते हैं हम लोग। चलिए हमारे इसमें ऊपर जाते हैं, तो चलिए हम लोग जाएंगे अपने इसके ऊपर। तो अभी पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं कस्टम रिपोर्ट्स कैसे बनाया जाता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वॉट इज मीन बाय द कस्टम रिपोर्ट्स? ओके, जो ओपन ही नहीं होता है यहाँ पे, 2 मिनट के लिए इसको मैं थोड़ा सा निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कस्टम रिपोर्ट्स अपन बनाएंगे यहाँ पे। ओके, कस्टम रिपोर्ट्स बनाते वक्त कस्टम रिपोर्ट्स, ये कस्टम रिपोर्ट्स बनाएंगे हम लोग। अब ये कस्टम रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं वो अभी अपन देखते हैं। व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ कस्टम रिपोर्ट्स? ओके, तो कस्टम रिपोर्ट्स बनाना है आप लोगों को, तो सबसे पहले हम लोगों को डिसाइड करना पड़ता है, क्लियर हो गया, कि किस किस ऑब्जेक्ट के ऊपर बनाना है। मेरे पास देखो 1, 2, 3 एंड 4 अकाउंट, कॉन्टैक्ट, रिपोर्ट्स एंड द डैशबोर्ड, दीज आर द 4 स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो इसके ऊपर जो रिपोर्ट्स बनेगा वो कौन सा रहेगा? अकाउंट और कॉन्टैक्ट के ऊपर जो रिपोर्ट बनेगा वो स्टैंडर्ड रिपोर्ट बनेगा। स्टाफ डिटेल, स्टूडेंट डिटेल, एस मार्कशीट और स्टूडेंट एड्रेस, दीज आर माई कस्टमर ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो कस्टमर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो रिपोर्ट बनेगा उसको कस्टम रिपोर्ट बोला जाता है। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? इज इट क्लियर? तो मुझे क्या करना है, ये स्टूडेंट डिटेल के ऊपर एक रिपोर्ट बनाना है। समझ में आ रहा है आपको? स्टूडेंट रिपोर्ट, स्टूडेंट के ऊपर रिपोर्ट बनाते हैं। ये कौन सा रिपोर्ट होगा आपका? स्टैंडर्ड रिपोर्ट होगा कि कस्टम रिपोर्ट होगा? नेहा, मुझे स्टूडेंट डिटेल नाम के कस्टम ऑब्जेक्ट के ऊपर मुझे रिपोर्ट बनाना है। क्लियर हो गया आपको? तो ये मेरा स्टैंडर्ड रिपोर्ट होगा कि कस्टम रिपोर्ट होगा? नेहा, स्टैंडर्ड रिपोर्ट होगा ये कि कस्टम रिपोर्ट होगा? यार नहीं समझ में आ रहा है क्या आपको? कस्टम होगा तो यार बोलो कस्टम रिपोर्ट सर। तो अभी बोलो नहीं, इतना टाइम लगेगा क्या? मैं तो एक आधा हाईफाई क्वेरी पूछ लूंगा ना आपको, या हाईफाई फार्मूला फील बता दूंगा, तो आप तो कभी जिंदगी में सेलफोन ओपन ही नहीं करोगे, बंद करके रख दोगे और लैपटॉप को नमस्कार करके चले जाओगे। सिंपल बोला है ना, कस्टम ऑब्जेक्ट के ऊपर जो रिपोर्ट बनते हैं तो उसको कस्टम रिपोर्ट बोलते हैं ना। तो ये अभी अपने को बनाना है, तो अभी अपन देखते कैसे बनाना है। तो हम लोग सेटअप में जाते हैं, क्लिक ऑन द सेटअप। चलिए अपन देखते हैं, इसके लिए जो अपन कस्टम रिपोर्ट बनाते हैं ना हम लोग, या ध्यान दीजिएगा, कस्टम रिपोर्ट बनाते हैं तो उसके लिए हमारे पास दो अलग अलग वर्क रहता है, दो वर्क रहता है, एक और दो। तो आप लोग जो कस्टम रिपोर्ट बनाते हैं तो कस्टम रिपोर्ट के वक्त आपके पास 2 पार्ट्स रहते हैं। एक पार्ट में आप लोगों को बताना पड़ता है कि रिपोर्ट्स कहाँ पे बनाना है, और दूसरे पार्ट में अपने को एक्चुअल रिपोर्ट बनाना पड़ता है। स्टैंडर्ड रिपोर्ट में ऐसा नहीं होता, स्टैंडर्ड रिपोर्ट में आप लोगों को डायरेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं, लेकिन कस्टम रिपोर्ट में मुझे सबसे पहले बताना पड़ता है कि मुझे कौन सा रिपोर्ट किसके ऑब्जेक्ट के ऊपर बनाना है। ओके, और दूसरे इसमें आपको बनाना पड़ता है। तो कस्टम रिपोर्ट जो होता है 2 पार्ट से बनता है। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे पहला पार्ट देखते हो, तो यहाँ पे लिखते हैं रिपोर्ट टाइप, सॉरी रिपोर्ट टाइप, ये देखो रिपोर्ट टाइप पे जाते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, ये रिपोर्ट टाइप पे जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे अपन कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देखो न्यू कस्टमर रिपोर्ट, ये देखो कस्टम रिपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे। ओके, तो इसमें 2 स्टेप्स रहते हैं। तो कस्टम रिपोर्ट्स में जाना पड़ता है और सबसे पहले आपको बनाना पड़ता है। तो कस्टम रिपोर्ट जो होता है वो 2 पार्ट में बनता है, ये पहला पार्ट है, और स्टैंडर्ड रिपोर्ट सिर्फ एक ही इसमें बनता है। ओके, तो कस्टम रिपोर्ट का ये पहला पार्ट है। तो मुझे किसके ऊपर बनाना है कस्टम रिपोर्ट? स्टाफ डिटेल के ऊपर, स्टूडेंट डिटेल के ऊपर, एस मार्कशीट के ऊपर, या स्टूडेंट एड्रेस के ऊपर? तो मुझे स्टूडेंट डिटेल के ऊपर बनाना है। ओके, तो यू क्लिक ऑन द स्टूडेंट डिटेल। चलिए यहाँ पे बना देंगे हम लोग रिपोर्ट टाइप, यहाँ पे अपन नाम दे देंगे। चलिए अभी आज अपन नाम दे देते हैं, आज किसको अपन बना देते हैं इंचार्ज, क्योंकि ये नाम ऐसे नहीं देते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, रहने तो बोलेगा कि यार अपन दे देते हैं यहाँ पे प्रगति नाम से दे देंगे आज। ओके, प्रगति डैशबोर्ड पे ही काम करती है और रिपोर्ट्स पे ही काम करती है, तो आज इसका नाम दे देंगे, ये कंपनी में काम कर रही है लड़की। ओके, प्रगति। ओके प्रगति, कल आपने फ़ोन किया था ना, एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब है 2 दिन से, तो मैंने किसी के भी फ़ोन नहीं उठाया। हाँ।
ओके प्लीज। ना ठीक है सर। हाँ, मैंने हाँ किसी के भी नहीं उठाए थे फोन। चलिए हम प्रगति, ओके हाँ चल प्रगति अपन देते हैं, प्रगति रिपोर्ट, कस्टम रिपोर्ट बोलते हैं लोग। ओके नाम देते हैं, तो आपको लगेगा कि सर ने टाइम दिया था और मैं ये कल एक्चुअली हॉस्पिटल्स में था। ओके मैं तो प्रगति कस्टम रिपोर्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ओके वही नाम यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा आपने को, क्लियर हो गया आपको? ओके दिस रिपोर्ट इज यूज फॉर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। ओके यहाँ पे दे देंगे और यहाँ क्राइटेरिया मुझे ऐड करना पड़ेगा। ओके यहाँ पे क्राइटेरिया अपन ऐड कर देंगे। कौन सा क्राइटेरिया ऐड कर देंगे? यहाँ पे देखो अदर रिपोर्ट्स, क्योंकि हम लोगों को देखो यहाँ पे रिपोर्ट्स है, बहुत नंबर ऑफ रिपोर्ट्स है, लेकिन मुझे ये दीज आर ऑल अदर स्टैंडर्ड रिपोर्ट। देखो अकाउंट अपॉर्चुनिटी फोर्थ कॉस्टिंग कस्टम लीड्स लैब, ये सब स्टैंडर्ड्स है। ये देखो नीचे, ओके यही जो रहता है ना आपका, ये अदर रिपोर्ट्स वो मेन रहता है आपका। क्लियर हो गया आपको? ये हो गया आपका। उसके बाद ये डिप्लॉयमेंट में वर्क करोगे, या लिखा है द रिपोर्ट टाइप विद डिप्लॉय स्टेटस इज अवेलेबल फॉर यूजर इन द रिपोर्ट साइज। यहाँ पे देखो डेवलपमेंट और डेवलप सॉरी डिप्लॉयड में फ़र्क क्या होता है? डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? आपका सॉफ्टवेयर बन रहा है। ओके बनने के सॉफ्टवेयर बन रहा है ना, तो जब सॉफ्टवेयर बनते रहता है तो उसके अंदर जो रिपोर्ट्स रहते हैं वो फाइनल रिपोर्ट्स नहीं रहते हैं, याद है क्या? उसके अंदर जो रिकॉर्ड्स रहते हैं, ये देखो ये रिकॉर्ड्स है ना, ये रिकॉर्ड जो रहते हैं ना, सपोज आपका जो सॉफ्टवेयर बन रहा है तो ये जो रिकॉर्ड्स रहते हैं ना, ये रिकॉर्ड्स कहते हैं डम रिकॉर्ड्स रहते हैं, या हम लोग चेकिंग के लिए रिकॉर्ड यूज़ करते हैं। ये फाइनल रिकॉर्ड्स रहते हैं क्या? जब आपका सॉफ्टवेयर बन रहा है तब नहीं रहते हैं, लेकिन ये सॉफ्टवेयर अपन जब बना के दे देंगे, टोटल बना के देंगे, तो बन रहा है तो उसको डेवलपमेंट बोला जाता है। और आपने पूरा सॉफ्टवेयर बना दिया और वो HDFC बैंक को दे दिया, ओके तो उसको बोलते हैं डिप्लॉयड सॉफ्टवेयर। डिप्लॉयड सॉफ्टवेयर मतलब कंप्लीट सॉफ्टवेयर। तो ऐसे ही आपके पास यहाँ पे दो पार्ट होते हैं, एक सैंड बॉक्स रहता है और एक प्रोडक्शन बॉक्स रहता है। ओके सैंड बॉक्स मतलब डेवलपमेंट, हम लोग वहाँ डेवलपमेंट और डिप्लॉयड नहीं बोला जाता है, तो सैंड बॉक्स मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट। ओके और प्रोडक्शन बॉक्स मतलब क्या रहता है आप लोगों का? आपका डिप्लॉयड। ओके तो आपका जो रिपोर्ट्स होता है ना, वो कब बनता है? रिपोर्ट जो होता है आपका, जो सॉफ्टवेयर पूरा बन के डिप्लॉयड हो जाता है, मतलब कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट डिप्लॉयमेंट मतलब कंप्लीट सॉफ्टवेयर बन जाता है, उसके बाद जो रिकॉर्ड्स बनते हैं उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं रिपोर्ट्स के अंदर। क्लियर हो गया आपको? ध्यान दीजिएगा। ओके तो वो मैंने दिया यहाँ पे इन डेवलपमेंट या डिप्लॉयड। तो कभी भी याद रखिएगा, रिपोर्ट जो है वो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद जब क्लाइंट को दिया जाता है, उसके बाद जो रिकॉर्ड्स बनते हैं उसी के ऊपर बनाया जाता है। आपका सॉफ्टवेयर चालू है, बन रहा है, उसी के ऊपर कभी नहीं बनाया जाता है। ओके तो हम लोग इसको डिप्लॉयड दे देंगे हम लोग। ओके नेक्स्ट करेंगे हम लोग। चलिए यहाँ पे आ गया आप लोगों का, यहाँ पे इस तरह से। तो ये आपका देखिए स्टूडेंट, देखो ये स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आप लोग रिपोर्ट्स बना रहे हो। ओके स्टूडेंट डिटेल के ऊपर अपन रिपोर्ट बनाएंगे। तो ये हायरार्किकल रहता है, हायरार्किकल पता है ना, बेस क्लास, उसके नीचे न्यू क्लास, डिराइव्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास, इस तरह से एक क्लास के नीचे दूसरा क्लास, दूसरे क्लास के नीचे, तो ऐसे अपन बना सकते हैं। तो यहाँ पे फोर अलग अलग, मतलब इसके नीचे एक और इसके नीचे एक, इसके नीचे एक। ओके तो ये आप बना सकते हो। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे आपको कभी चाहिए तो उसका मैं वीडियो बना के दे दूंगा आप लोगों को। ओके बहुत जनों को नहीं पता रहता तो कैसे बनता है तो मैं बता दूंगा, इसके नीचे एक और इसके नीचे एक और इसके नीचे एक। ओके तो ऐसे आप लोग नंबर ऑफ रिपोर्ट्स एक के अंदर एक को अटैच, दूसरा दूसरे को अटैच, तीसरा ऐसे बना सकते हैं आप लोग। तो फिलहाल अपन बेसिक पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे किसी को चाहिए एडवांस में, ओके तो मैं बना के दे सकता हूँ। डैशबोर्ड भी आपने सिर्फ एक ही टाइप के देखे होंगे, ऐसे नंबर ऑफ डैशबोर्ड अलग अलग बनते हैं। ओके बकेट डैशबॉक्स, टाइम डैशबोर्ड, ऐसे अलग अलग डैशबोर्ड्स बनते हैं। तो वो डैशबोर्ड आपको चाहिए तो इतने तो डैशबोर्ड में पढ़ा सकते हैं ना, तो मैं एक आधा डैशबोर्ड आपको पढ़ा दूंगा। क्लियर हो गया आपको? तो यहाँ पे रहेगा आप लोगों का। तो ये हम लोग एक ही बना रहे हैं, यहाँ पे इसके अंडर में नंबर ऑफ हम लोग बना सकते हैं, तो वो आपको एक वीडियो भेज के मैं बता दूंगा। सेट ये सेव कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए नीचे जाएंगे हम लोग। ओके आपको ऐसे लग रहा है कि देखो इसके अंदर, यहाँ पे देखो हम लोग जाते हैं न्यू पे जाते हैं हम लोग। न्यू पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे जो फील्ड है 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर ऑफ फील्ड है, तो नियर अबाउट 23 फील्ड्स आर अवेलेबल देयर। ओके ये भी देखो 27 फील्ड्स आर अवेलेबल हियर। अब ये 20 फील्ड्स को मुझे क्या करना है,
इतनी पूरी 27 फील्ड से मेरे को रिपोर्ट नहीं बनाना है, मुझे उसमें पर्टिकुलर 5-6 फील्ड ही चाहिए जिसके ऊपर रिपोर्ट बनाना है। तो मैं एडिट लेआउट में जाता हूँ यहाँ पे, और एडिट लेआउट में जाके मैं क्या कर देता हूँ, आपको जो जो फील्ड चाहिए वो फील्ड यहाँ पे रखता हूँ, और जो फील्ड मुझे नहीं चाहिए वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। जनरली यहाँ से होता नहीं है, मेरे पास से तो नहीं होता है, तो मैं उसको अलग तरीके से भी कर सकता हूँ। तो देखो इसको कॉपी कर लेना आप लोग और यहाँ पर डाल देना, क्रिएटेड डेट कहीं होंगी तो यहाँ पर रख देना। ओके, तो जाती नहीं है यहाँ पर, बहुत जगह पर बहुत बार ये प्रॉब्लम जाता है। ओके, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपन किसी और के थ्रू भेजेंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से दिया जाता है, और हम लोग अपने को जो फील्ड चाहिए वो उसको अपन कम कर सकते हैं। या मुझे अभी देखो ये एड्रेस नाम है, इस एड्रेस को मुझे ऐसे लग रहा है कि रिपोर्ट्स में ये एड्रेस नहीं दिखना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ अलग दिखना चाहिए, तो इसको क्लिक करो आप लोग। ओके वेट अ मिनट, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट एड्रेस दिखना चाहिए, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपके जो आपका जो रिकॉर्ड है उसके अंदर वहाँ पे एड्रेस देगा, लेकिन मुझे रिपोर्ट के वक्त टाइप करते वक्त मुझे कैसा होना चाहिए कि वहाँ पे ऐसे ये नाम से दिखना चाहिए, तो यहाँ पे ओके कर देंगे हम लोग। ओके, तो देखो यहाँ पे आपका दिख रहा है स्टूडेंट डिटेल में आपका एड्रेस दिख रहा है यहाँ पे, क्लियर हो गया। न्यू पे जाओ आप लोग, और यहाँ पे आपको एड्रेस आ जाएगा कहीं ना कहीं। यहाँ पे देखो कहाँ दिख रहा है, एड्रेस आ रहा है, क्या ये एड्रेस आ रहा है, लेकिन रिपोर्ट के वक्त जब जाएगा ना, नया रिपोर्ट दे देंगे सेल्स इंजीनियर्स को, ओके सेल्स मैनेजर को, तो उस वक्त वहाँ पे क्या लिख के आएगा, स्टूडेंट एड्रेस। यहाँ पे भी एज में मुझे ऐसा लग रहा है कि यार नहीं, ये थोड़ा सा अलग लग रहा है। ओके, ये एज नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट एज देना पड़ेगा। तो ये दिखेगी नहीं आपकी, जनरल इसमें नहीं दिखेगी, लेकिन जो रिपोर्ट बनेगा उस रिपोर्ट में उसका नाम आएगा स्टूडेंट एज करके। ओके, तो इस तरह से अपन चेंज कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि यार ये ईमेल आईडी ये एज स्टेटस के बाद रहना चाहिए, तो आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। आपको क्लियर हो गया, आपको ये ब्रांच उसकी डेट ऑफ बर्थ इसके पहले रहनी, ये यहाँ पर रहनी चाहिए। ओके, तो इस तरह से आप लोग क्या करते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे मुझे फर्स्ट नेम पहले दिखना चाहिए, तो यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं वेयर इज़ द फर्स्ट नेम। यहाँ पे फर्स्ट नेम लेके जाइए, यहाँ पे आप मिडल नेम लेके जाइए, आप लोग यहाँ पे लास्ट नेम लेके जाइए, वेयर इज़ द लास्ट नेम यहाँ पे। ओके, तो ऐसे ये एड्रेस मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, एज के बाद, डेट ऑफ बर्थ के बाद, मतलब एडमिशन इसके बाद चाहिए, एडमिशन डेट भी मुझे बाद में चाहिए। ओके, यहाँ पे आना चाहिए। ओके, तो इस तरह से चाहिए, एज भी मुझे डेट ऑफ बर्थ के बाद चाहिए, तो इस तरह से जेंडर मुझे उसके एज के पहले चाहिए। ओके, तो इस तरह से आप लोग अरेंज कर सकते हैं, तो रिपोर्ट आपको वैसे ही दिखेगा, लेकिन यहाँ पे एज नहीं दिखेगा। एज क्या दिखेगा यहाँ पे, आपको स्टूडेंट एज दिखेगा वहाँ पे रिपोर्ट्स के। तो इस तरह से मैनेज कर सकते हो, कम करना है तो कम कर सकते हैं आप लोग। ओके, तो अपन यहाँ से तो नहीं होता है, मेरे से तो नहीं हो रहा, आप ट्राई करके देखना, नहीं हुआ तो अपन दूसरे वे से अपन रिपोर्ट्स कम करवा सकते हैं। चलो, इतना हो गया आप लोगों का, एनी डाउट्स क्लियर हो गया क्या आपको, एंड सेव इट। तो मैंने ये रिपोर्ट बना दिया, क्या नाम से रिपोर्ट बना दिया, प्रगति कस्टम रिपोर्ट से मैंने ये रिपोर्ट्स बना दिया। ओके, आपको कुछ मॉडिफाइड करना है, एडिट करना है, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो वापस से। चलो, मैंने बना दिया यहाँ पे, हम लोग चले जाएगा। तो मैंने बताया था ना आप लोगों को कि कस्टम रिपोर्ट बनाना है मुझे, तो मुझे दो पार्ट से, तो एक मुझे सबसे पहले कस्टम रिपोर्ट कस्टम ऑब्जेक्ट के ऊपर बनाना पड़ता है। ओके, अब इसके ऊपर जाके अभी अपन लोग रिपोर्ट्स बनाएंगे। अभी हम लोगों ने बता दिया कि मुझे किस ऑब्जेक्ट के ऊपर रिपोर्ट बनाना है, ये मैंने पहले पार्ट में बता दिया। दूसरे पार्ट में एक्चुअल रिपोर्ट बनाएंगे। स्टैंडर्ड रिपोर्ट में आप लोगों को पहला पार्ट रहता ही नहीं है, डायरेक्ट दूसरे एक ही पार्ट रहता है जिसमें अपन डायरेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। लेकिन कस्टम रिपोर्ट जो होता है ना, वो दो पार्ट में बनती है। पहले अपने को बताना पड़ता है किसको, कि मुझे स्टूडेंट डिटेल के ऊपर ये रिपोर्ट बनाना है करके। अब बता दिया मैंने, ओके प्रगति कस्टम रिपोर्ट बता दिया मैंने। ओके, उसके बाद मुझे एक्चुअल रिपोर्ट बनाना पड़ता है, तो अभी अपन रिपोर्ट बनाएंगे। तो कस्टम ऑब्जेक्ट में वही एक फ़र्क रहता है, पूछा जाता है आप लोगों को। ओके, अब ये हो गया आपका। चलिए, हमने रिपोर्ट्स टाइप बना दिया अपन ने, तो कस्टम ऑब्जेक्ट के कस्टम रिपोर्ट के वक्त मुझे दो ऑपरेशन करना पड़ता है। एक तो रिपोर्ट टाइप बनाना पड़ता है और बताना पड़ता है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मुझे रिपोर्ट बनाना है। ओके, और दूसरा भी अपन एक्चुअल ऑब्जेक्ट बनाए, एक्चुअल रिपोर्ट बनाएंगे। और स्टैंडर्ड रिपोर्ट में क्या होता है, आप लोग डायरेक्ट ही स्टैंडर्ड रिपोर्ट ही बनाते हैं आप लोग। ओके, उसको कोई ज़रूरत नहीं है, ये रिपोर्ट टाइप बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए, हम लोग जाते हैं हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग रिपोर्ट को क्लिक करते हैं, ये रिपोर्ट पे जाएंगे हम लोग। रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू रिपोर्ट में जाते हैं हम लोग, अभी एक्चुअल रिपोर्ट बनाएंगे। ओके, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। यहाँ पे देखिए, अब मुझे स्टैंडर्ड रिपोर्ट बनाना है कि कस्टम रिपोर्ट बनाना है। यस,
मुझे कस्टम रिपोर्ट्स बनाना है। कस्टम हाँ, तो कस्टम रिपोर्ट बनाना है तो मुझे कस्टम रिपोर्ट्स मैंने यहाँ पे बना के दिया था, तो उसके लिए देखो अदर रिपोर्ट में जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे अपने बनाया था, क्या नाम दिया था, ये ऐसे इसलिए था प्रगति कस्टम रिपोर्ट बनाया था ना, इसलिए मैं नाम लेता हूँ, और इसको कंटिन्यू कर देंगे। मतलब मुझे स्टूडेंट डिटेल नाम के ऑब्जेक्ट के ऊपर ही मुझे रिपोर्ट्स बनाना है। ओके, स्टैंडर्ड रहता तो मैंने डायरेक्ट यूज़ किया रहता है। चलो ये बन गया मेरा, यहाँ पे देखिए इस तरह से विंडो आ गई, ये रिपोर्ट्स रहता है, प्रगति कस्टम रिपोर्ट अपने को बनाना है यहाँ पे। ओके, तो पहले सबसे पहले पूरे रिकॉर्ड, स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेके आएंगे ना, यस और नो? ओके, यहाँ पे जाते हैं हम लोग, गलती हो गई मेरी। चलिए यहाँ पे स्टूडेंट मैनेजमेंट जाते हैं हम लोग, देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट डिटेल में ये पूरा रिकॉर्ड से, यहाँ पे देखिए ये इतना रिकॉर्ड से ना यहाँ पे। ओके, तो ये रिकॉर्ड्स मुझे बनाना है, अब इस रिकॉर्ड में से मुझे डाटा लेना है ना मुझे। ओके, तो यहाँ पे देखो ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड लेना पड़ेगा, तो इसको क्लिक करूँगा। तो जब इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कभी कभी देखो ये बंद रहेगा आपका, ये देखो ये बंद रहेगा। तो जब मैं ऑल टाइप करूँगा ना तो वो देखो रिफ्रेश करेगा, हर चीज़ को रिफ्रेश बोलता है। ये देखो रिफ्रेशिंग चल रहा है, देखो टू सी दिस लेटेस्ट। तो रिपोर्ट में क्या होता है, हर कुछ सेकंड के बाद क्या होता है, अपडेट करते रहता है अपडेट। तो क्या रहता है, अपडेट करते हो तो हर वक्त रिफ्रेश मांगता है। इसको रिफ्रेश करेंगे ऑल आ जाएगा आपका, क्लियर हो गया आपको? और कुछ चेंज करो यहाँ पे, ओके ऐसा कुछ चेंज करो तो और रिफ्रेश बोलेगा। तो ऐसे वक्त हमेशा हर कुछ सेकंड के बाद वो रिफ्रेश करता है, तो अपने को मैनुअली नहीं करना है, अपने को अपडेट प्रीव्यू ऑटोमेटिकली करना है। तो इसको क्लिक करोगे, ध्यान देना है, इसको क्लिक करोगे आप लोग। ओके, तो इसके बाद वो क्या करता है, खुद ही इंटरनल हर कुछ सेकंड के बाद वो रिपोर्ट्स को अपडेट करते रहता है। क्लियर हो गया आपको? तो यहाँ पे देखो पूरा रिकॉर्ड्स दिखेगा, यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड दिख रहा है यहाँ पे। ओके, तो अभी आप एक कॉपी ओपन कीजिए आप लोग, और एक कॉपी में मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, उस पॉइंट्स को फॉलो करो। नहीं तो क्या होता है, जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे समझ में ही नहीं आता आप लोगों को क्या पढ़ रहे करके। तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में क्या किया, हमने ऑल रिकॉर्ड्स किए थे, ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड, और ऑल टाइप कर दिया था, और उस वक्त मैंने इसको क्लिक कर दिया था। ये पहला टाइप हो गया आपका, अपडेट प्रीव्यू ऑटोमेटिकली। नहीं किया तो हर एक चेंज के बाद वो रिफ्रेश बोलता है, हर चेंज के बाद रिफ्रेश बोलता है, हर चेंज के बाद रिफ्रेश बोलता है। तो दिस इज कॉल्ड द मैनुअल रिफ्रेशमेंट। अपने को हर कंटिन्यूस कुछ सेकंड के बाद रिपोर्ट्स को अपडेट करना है, तो ये अपडेट प्रीव्यू ऑटोमेटिकली रहता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट रहेगा आपका। अभी हम लोग जाते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट रोल नंबर दिख रहा है मुझे, तो सब रिकॉर्ड दिखना है ना, सब मुझे रिकॉर्ड दिखना है। देखो ये दिख रहा है, ये मुझे फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ट्यूशन फी, ये इतनी चीज़ें चाहिए मेरे को, छः चीज़ें चाहिए, तो वो छः चीज़ें मुझे लाना है। तो अभी सेकंड पार्ट देखेंगे, लिखो आप फिल करके, राइट डाउन। ओके, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, पढ़ते वक्त ऐसे ही पढ़ना रिपोर्ट्स को, नहीं तो क्या होता है सब जंबलिंग हो जाएगा ना, कुछ नहीं समझेगा। तो कॉपी में लिखो फर्स्ट रिफ्रेशमेंट, ओके मैनुअल रिफ्रेशमेंट एंड ऑटोमेटिक रिफ्रेशमेंट, ओके रिफ्रेशमेंट, ओके अपडेट प्रीव्यू ऑटोमेटिकली। अपन इसको क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हर सेकंड के बाद रिफ्रेश हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। दूसरा अपन फील्ड पे जाते हैं, तो सेकंड पॉइंट लिखिए फील्ड, और फील्ड क्या लिखिए, ऐड द नंबर ऑफ फील्ड इन योर रिपोर्ट, ऐसे करके एक लाइन में लिख के रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे कल भी आप कॉपी रखेंगे अपने पास, तो यहाँ पे अपन फील्ड पे जाते हैं तो आपको इस तरह से आ जाएगा आपको। और इसके में मुझे क्या क्या ऐड करना है, मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट नेम ऐड करना है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, देखो मैंने ऐड किया था फर्स्ट नेम पहले, बाद में मिडल नेम, बाद में लास्ट नेम, बाद में अपने एज को देखो, वहाँ पे एज दिख रहा था, देखो यहाँ पे एज दिख रहा है, ये देखो एज दिख रहा है, जेंडर दिख रहा है। तो यहाँ पे वो क्या दिखेगा, एज के वक्त वहाँ पे आपको यहाँ एज दिखेगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो नाम, स्टूडेंट एज दिख रहा है आपको, एड्रेस की जगह पे वहाँ एड्रेस दिखेगा नॉर्मल, इसमें रिपोर्ट्स में रिकॉर्ड्स में, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट एड्रेस दिखेगा। क्लियर हो गया? आपको फर्स्ट नेम चाहिए, क्लिक करो आप लोग, डबल क्लिक करो, इसको आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद मिडल नेम चाहिए, डबल क्लिक करो, आ जाएगा यहाँ पे। लास्ट नेम चाहिए, डबल क्लिक करो, आ जाएगा यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ऐड करो आप लोग। जेंडर चाहिए, ऐड करो आप लोग यहाँ पे। और ट्यूशन फी चाहिए मुझे, उसको भी ऐड करते हैं हम लोग। वेर इज द ट्यूशन फी, इसको ऐड कर देते हैं। तो देखिए इसको ऐड कर दिया मैंने, इसको बंद कर देता हूँ। तो ये फील्ड से हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए? ओके, एनी डाउट्स जस्ट टेल मी, एनी डाउट्स। लेकिन मुझे इसको प्रॉपर वे से अरेंज करना है। ओके, तो ये फर्स्ट नेम मुझे पहले चाहिए, रोल नंबर पहले चाहिए, तो इसको लेके जाइए आप लोग। ओके, उसके बाद फर्स्ट नेम मुझे चाहिए यहाँ पे, तो इसके बाद लगाइए। ओके, ये ट्यूशन फी को इधर लेके जाइए आप लोग, ध्यान दीजिएगा। लास्ट नेम इसके बाद लगाएंगे, बाद में लास्ट नेम, मिडल नेम के बाद लगाएंगे,
जेंडर लगाएंगे, डेट ऑफ बर्थ लगाएंगे, ट्यूशन फी लगाएंगे। क्लियर हो गया आपको? अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे हम लोग मॉडिफाइड नहीं कर सकते रिपोर्ट्स को। क्लियर हो गया आपको? रिपोर्ट्स को मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर हो गया कि आपको रिपोर्ट्स को मॉडिफाइड किया नहीं जा सकता है? यहाँ पे मुझे देखो ट्यूशन फी कुछ भी नहीं, नहीं नहीं कर सकते, तो मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे रिपोर्ट्स को, यहाँ पे मैं 15,000 दे देता हूँ क्योंकि मुझे आगे जाके काम करना है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। ओके, यहाँ पे मैं 10,000 दे देता हूँ, यहाँ पे मैं 20,000 दे देता हूँ, थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ, मतलब मुझे आगे जाके काम में आएगा। यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे जाते हैं हम लोग, मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ क्योंकि मुझे आगे लगने वाला है इसके ऊपर, तो इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा सेव इट, इसको सेव कर देता हूँ मैं। क्या बोल रहा है, क्यों आ रहा है एरर बताओ मेरे मुझे। सर वैलिडेशन रूल लगा है। यस, वेरी गुड, हुआ दैट शिवाली, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। वैलिडेशन रूल्स लगाए अपन ने, या ऐसा होता है वैलिडेशन रूल अपन ने रख दिया ना, बड़ा प्रॉब्लम जाता है। देखो मॉडिफाइड ही नहीं होगा, अभी मुझे चेंज करना पड़ेगा हर चीज़ को, इसलिए रहता है वैलिडेशन रूल। मैंने बताया ना कि वैलिडेशन रूल को डीएक्टिवेट करते जाओ, नहीं तो ऐसे तकलीफ जाती है, बड़ा प्रॉब्लम जाता है, हर को ऐड करना पड़ेगा मुझे। सबकी डेट ऑफ बर्थ अपने एक ही रखते हैं, लोड मतलब, ये देखो और आ जाएगा, ये देखो सबकी डेट ऑफ बर्थ जितना चेंज किया ना सबका, क्योंकि मैंने वैलिडेशन रूल लगाया होगा। भाई आ जाएगा दूसरा, चलो आ जा, आ जा, कोई भी डेट ले लेते हैं। अभी एरर दे देंगे, वो बोलेंगे 22 में कैसे क्या चलेगा भाई, 3 की रिकॉर्ड ले लेते ना, अलाउड नहीं रहता ना डेट आने की चाहिए, और अपन दे रहे हैं यहाँ पे 3 तारीख देते। चलिए ये थोड़ा सा तकलीफ देने वाला, इसलिए वैलिडेशन रूल्स को पहले से डीएक्टिव करते जाओ, काम हो गया तो, ये तो ऐसा तकलीफ रहता है, एक्स्ट्रा काम बढ़ाता है। अरे बाप रे, क्या बोल रहा है, ये देखो क्या बोल रहे हैं, आइटम 5 हैज एरर इन दिस फील्ड। क्योंकि क्या किया मैंने मालूम है क्या, इसको दो चीज़ से एरर आ रही होगी, एक चीज़ क्या आ रही होगी बताओ पर मुझे, वैलिडेशन रूल से, और दूसरा रिक्वायर्ड फील्ड बनाई होंगी। रिक्वायर्ड फील्ड था तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा, चलो देख लेते हैं हम लोग, दो मिनट के लिए भी लेट हो ही गए तो थोड़ा और लेट हो जाते हैं। ऑब्जेक्ट मैनेजर, स्टूडेंट डिटेल, यही तकलीफ रहती है। जब ट्रिगर लगाते हैं ना, ट्रिगर के वक्त भी बहुत प्रॉब्लम जाता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ट्रिगर के वक्त जितने भी लोग ट्रिगर ये लगाते हैं उसको निकाल देना पड़ता है। अरे भगवान, हाँ ये देखो क्लियर हुआ, ये देखो समझ में आया क्या आपको? यस सर। हाँ सबकी एज 21 के नीचे है ना, तो वो एरर दे रहा है सबको। क्योंकि अपन ने सब 21-22 की डाली ना आप लोगों ने, ओके ये होता है, तो प्लीज़ डीएक्टिवेट इट, अदरवाइज शिवाली इज गुड, अच्छे बन रही है बेचारी। चलो गुड गर्ल, चलिए इसको सेव करते हैं हम लोग, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो सब डिलीट हो जाएगा। वेरी नाइस, दैट रीलोड दिस पेज, सब मिट जाएगा तकलीफ, ये होता है। चलिए चलिए यहाँ पे अपन देखते हैं, यहाँ पे चलो यहाँ पे हम लोग इसको एक दे देते हैं हम लोग, चलिए इसको सेव कर देते हैं हम लोग। चलो मेरा काम यही रहेगा आपका, ओके आगे जाके मुझे यूज़ हो रहा है ना, इसलिए मैं यूज़ कर रहा था, थोड़ा टाइम लग रहा है। चलिए तो ये आपका बन गया है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, और इसको हम लोग इसको रिफ्रेश कर देंगे आप लोग। ओके इसको वापस से बनाना पड़ेगा, ओके कैंसिल कर देते, इसको सेव कर देते, पहले रिपोर्ट्स को सेव कर देते यहाँ पे,
तो ये अपन रिपोर्ट्स को सेव कर देंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, सेव इट। प्रगति की रिपोर्ट सेव हो गई है यहाँ पे 2 मिनट के लिए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सेव हो गई है क्योंकि मुझे इसको रिफ्रेश करना था ना, तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, इज इट क्लियर, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। चलिए रिपोर्ट रिफ्रेश हो जाएगी। चलिए तो यहाँ पे हो गया आपका, क्लियर हो गया। तो देखिए ये फील्ड से हम लोग क्या करते हैं, फील्ड से क्या करते हैं, हम लोग को जो जो फील्ड्स ऐड करना है ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप, टेबुलर रिपोर्ट। टेबुलर रिपोर्ट्स मतलब क्या होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज होते हैं, देखो 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर ऑफ रोज हैं, ओके, ये नंबर ऑफ रोज है आपके पास और नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो इसको बोलते हैं टेबुलर। टेबुलर मतलब टेबल, टेबल ही देखो ना, ये नंबर ऑफ कॉलम्स है आपके और ये नंबर ऑफ रोज है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेबुलर। तो पहला टाइप पढ़े हम लोगों ने, कौन सा पढ़े, पहला टाइप टेबुलर रिपोर्ट्स, तो ये आपका टेबुलर रिपोर्ट्स रहेगा आपका, क्लियर हो गया आपको। तो अपन ने सेकंड पार्ट पढ़ा था फील्ड्स कैसे ऐड करते हैं, तो अभी थर्ड पार्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ओके, फिल्टर्स। ये देखो थोड़ा देखिए फिल्टर्स, ये फिल्टर्स को क्लिक करता हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा, फिल्टर्स थर्ड पार्ट लिखिए फिल्टर्स, तो यहाँ पे देखिए हम लोग ऑल डिटेल, तो इसको पहले चेक कर लेना, कभी कभी क्या होता है डिटेल्स नहीं आता, तो ऑल स्टूडेंट डिटेल पर रहना चाहिए, कभी कभी इस पर क्लिक रहता है तो कम रिकॉर्ड दिखते हैं आपको, तो पूरे रिकॉर्ड चाहिए तो ऑल स्टूडेंट में जाके क्लिक करोगे, पहले से ही है मेरा, इसको क्लिक करोगे, नहीं तो ऐसे ऊपर लिख के आता है फिल्टर्स लगाया, तो बाद में डेट ऑफ बर्थ आपको किसको लगाना है, ऑल टाइम लगाना है तो ऑल टाइम आप लगा सकते हो, तो कभी कभी यहाँ पे कुछ अलग अलग आता है, कस्टम टाइप आता है, ओके, पर्टिकुलर ही डेट को वो वर्क करवाता है, तो ऐसे वक्त क्या होता है तो तकलीफ जाती है, तो ये रहेगा आपका। अभी मुझे मुझे फ़िल्टर करना है, तो ऐड फिल्टर कर देते हैं हम लोग। अब मुझे फ़िल्टर लगाना है, किसके ऊपर फ़िल्टर लगाते हैं अपन, जेंडर के ऊपर फ़िल्टर लगाते हैं, ध्यान देना, जेंडर के ऊपर फ़िल्टर लगाते हैं, यहाँ पे देखिए जेंडर के ऊपर फ़िल्टर लगा देते हैं, क्या लगाते हैं कि मुझे जेंडर, जेंडर इक्वल्स टू मेल चाहिए, इक्वल्स टू चाहिए, ओके, और मुझे मेल चाहिए, और यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ मेल वाला ही डेटा दिखेगा, क्लियर हुआ क्या आपको, यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको, सिर्फ मेल रिकॉर्ड दिखेगा, फीमेल का रिकॉर्ड दिखेगा नहीं, देखो एक फिल्टर लगा हुआ है, यस सर, यस। अभी मैं यहाँ पे और एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट एज ऐड कर देता हूँ, देखो डबल क्लिक करो, इसको ऐड हो जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे भी होगा दिख जाएगा आपको, ओके, इसको बंद कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखिए ये आपकी एज कहाँ कह रहे हैं, एज आ रहा है, अरे आ गया, ये एज आ रहा है आपका, क्लियर हो गया आपको, यहाँ पे एजेस आ गए आपके। अब मुझे फ़िल्टर लगाना है, एक और फिल्टर लगा देता हूँ, ऐड फिल्टर, ऐसे नंबर ऑफ़ फ़िल्टर लगाए जाते हैं, अरे मैं पहले बता रहा हूँ, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे एज फिल्टर दे देंगे हम लोग, एज फिल्टर लगा देंगे हम लोग, यहाँ पे इक्वल दे रहे हैं हम लोग, इक्वल की जगह पे मैं क्या करूँगा, ग्रेटर दैन, ग्रेटर दैन दे दूँगा और एज दे दूँगा 21 के ऊपर के ही लोगों का रिकॉर्ड दिखना है, क्लियर हो गया आपको। देखो ये 2 ही रिकॉर्ड्स बन रहे, मेल और 2 ही रिकॉर्ड रहेंगे आपके, तो यहाँ पे कितने फिल्टर लगे दिख रहे हैं आप लोगों को, समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे। इस तरह से आपको जो जो चीज़ें चाहिए, अब इसको क्या बोला था, नेहा को क्या बोला था सेल्स इंजीनियर्स ने, ओके, मुझे एसी का ही रिकॉर्ड चाहिए, तो वो क्या करेगा, एक फिल्टर बना लेगा, सच्चे एक फिल्टर क्लिक करेगा, ऐड फिल्टर में जाएगा और वहाँ पे क्या रहेगा, एक पिक लिस्ट रहेगी, उस पिक लिस्ट में क्या रहेगा, वहाँ पे एसी मोबाइल, तो वो एसी पे क्लिक करेगा, एसी का रिकॉर्ड बन जाएगा और वो उसको भेज देंगे, क्लियर हुआ क्या आपको, या समझ में आ रहा है आपको। तो इस तरह से फिल्टर्स बनाए जाते हैं, ओके, तो मैं फिल्टर्स निकाल लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ओके, चलो निकाल लिया आपने, तो ये हो गया आपका, क्लियर हो गया क्या आपको, बताओ। 3 पार्ट्स हो गए, पहला पार्ट अपन ने बनाया था ऑटोमेटिक रिफ्रेशमेंट, सेकंड पार्ट होता है फील्ड, तीसरा पार्ट था आपका फिल्टर्स, ओके, मैंने बता दिया आपको, ओके। चौथा पार्ट रहेगा आपका यहाँ पे आउटलाइन में जाइए, फोर्थ पार्ट ग्रुप के ऊपर जाते हैं, देखो ग्रुप, ये ग्रुप पे क्लिक करेंगे हम लोग, इज इट क्लियर, ये ग्रुप पे क्लिक करो, ध्यान दो रे, ये ग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे हम लोग, इज इट क्लियर, तो यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपन देखिए रो वाइज, मतलब रो वाइज आपका ग्रुप बनेगा, रो वाइज ग्रुप बनेगा, और ये कॉलम वाइज मतलब कॉलम वाइज ग्रुप बनेगा। तो मैं बता देता हूँ कि कैसे ग्रुप बनता है, क्या बनता है, तो किस तरह से बनता है, उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ग्रुप, तो फोर्थ पार्ट लिखिए ग्रुप्स करके, ओके, और वहाँ पे लिखिए फर्स्ट ग्रुप रोज और सेकंड ग्रुप कॉलम, ऐसे करके लिख के रखिए आप लोग, ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा, कल जाके कॉपी देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ग्रुप रो में जाएंगे
और ऐड ग्रुप करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और मुझे जेंडर के ऊपर ग्रुप करना है रो वाइज। तो रो वाइज तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो जेंडर पे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया। ये देखो 10 मेल है यहाँ पे, दो रे 10 मेल है यहाँ पे, ओके, और 8 फीमेल है। तो मिला के टोटल कितने मेरे पास लोग, यहाँ पे 20 लोग हैं। देखिए 20 लोग हैं, 20% आर अवेलेबल, 2 आर अनोन, अनोन जिसका नहीं पता जेंडर नहीं पता, 10 मेल है और यहाँ पे 2 लोग जो है ना, ये 8 लोग फीमेल है यहाँ पे। ऐसे मिला के यहाँ पे क्या हुआ आप लोगों को, यहाँ पे देखिए ऐसे मिला के आप लोगों के कितने लोग हो गए ने, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ऐसे 20 लोग हो गए। तो ये ग्रुप हो गया आपका, इज इट क्लियर। कॉलम वाला मैं कल बताऊंगा यहाँ पे कैसे होता है। तो क्लियर हो गया कि आपको रिपोर्ट्स क्या होती है, कैसे क्या होता है। तो एनी डाउट्स तो कल अपना